अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो यहाँ पे मेरी मिनी बेबी देने वाली है और जगह ढूंढ रही इधर उधर छुपने के लिए, इसको पेन स्टार्ट हो गया। तो अभी इनका बेबी हुआ नहीं, इन्होंने हूर की बेबी को पकड़ लिया और सोच रही है मेरा बेबी है। बार बार उससे बोल रही है, पता नहीं क्या कहना चाह रही है। तो देखते हैं कब तक बच्चा देती है, शाम में देती है या सुबह देती है। और मिनी बहुत अच्छे से बेबी दे देती है, हूर को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो देख सकते हैं कैसे बेबी को पकड़ी हुई छोड़ ही नहीं रही है। हर माँ को उसका बच्चा अजीज़ होता है, वैसे जानवरों के साथ भी है, इनको भी अपने बेबीज़ बहुत प्यारे होते हैं। और होप कि अच्छे से बेबी हो जाए, ज़्यादा पेन ना हो, प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि जानवरों को प्रॉब्लम होती है तो दिक्कत होती है। और ये छोटा बेबी भी इसको अपने मम्मा समझ जाता, फीडिंग करने के लिए ढूंढ जाता। नहीं क्या हुआ मिनी, परेशान हो रही है? निकलने लगा बच्चा। किस कलर का है ये? वाइट कलर का एक बच्चा निकला है। इसका मुंह साफ कर दो, ये चिरकुट दियो। मिनी जल्दी निकल गया एकदम, क्या बोलते हैं इसको केज में कर दिया क्या? अच्छा वो सुबह दे रही है, अंदर उसके अंदर घुस। और फाइनली मिनी ने यहाँ पे सुबह बच्चा दिया। रात भर तो हम लोगों ने इसको अपने साथ ही सुलाया और फिर ये बहुत ज़्यादा हाथ पैर फेंकने लगी, तो हम लोग समझ गए कि बेबी देना है, तो इसको हम लोग केज में ले आए। और केज में आते ही इसने एक बार में तुरंत एक बच्चा दिया और एक मिनट का ब्रेक लेके दूसरा बच्चा भी दे दिया। तो दो बच्चे तो अभी वाइट हुए हैं और देख सकते हैं अभी क्लीन कर रही हैं, और देखते हैं आगे कितना ब्रेक लेके ये बच्चा देती है। सुनो क्या हुआ मेरा बच्चा? क्या हुआ? हाँ बाबू, बाबू आया है, छोटा बाबू आया है। हाँ अच्छा अच्छा, हाँ हाँ बाबू आ गया है मेरी बेबी का। हाँ बता रही हो, मेरी मिनी का बाबू आया है छोटा छोटा। बाबू का बच्चा हुआ है ना? हाँ मेरा बच्चा। हाँ दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, चला दे चला दे, शेषे चला दे। हाँ चला दे रहे, चला दे रहे बच्चे को। मेरी बच्ची को पेन हो रहा है, ले लो ले लो आराम कर लो। क्या हो बेबी? हाँ साफ कर दे, बच्चा दे दे। वही तो कह रही है, काट के निकाल दे। क्या कर साफ कर दे? हाँ साफ करी है, वो भी काट पाई। लोग बोल रहे हैं जो जो आई हो, क्या है जो जो आई है बाबू देखने? सब इधर उधर सब परेशान है, सब बैठे हैं, इधर हूर भी हैं, सब देख रहे हैं क्या हो रहा है। अभी दो बेबी हो गया, इसने थोड़ा ब्रेक ले लिया है क्योंकि दो बेबी कंटिन्यू दे दिया एक मिनट के गैप पे। ये सबसे बता रही है, नवाब से बता रही है क्या हुआ। क्या हुआ मिनी? हाँ क्या हुआ बोलो, क्या हुआ बाबू, क्या हो गया? यहाँ पे दो खेड़ी निकल रही है इसकी, अभी हम लोगों ने छोड़ दिया कि काले काले थी तो ठीक है, नहीं खाई तो देखते क्या करते। छोटा सा बोल रहा है और मिनी अपने बेबी को की नाब नहीं काट पा रही है, तो इसी वजह से यहाँ पे हम लोगों को काटना पड़ेगा। तो मम्मी ने पहले सीज़र को बॉईल करवाया और फिर बेबी को निकाला, और उसके बाद अगर इसका ब्लड निकलेगा तो नाब में थ्रेड से बांध देंगे। चीनु? चीनु को क्या हुआ? दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है बाबू, दर्द हो रहा है। मिनी बेबी की नाप कर चुकी है और अभी मम्मी वेट वाइप से पहले बेबी को क्लीन कर रही हैं, और ये पेट वाइप से आप लोग भी यही होती है। और एक बेबी का ब्लड नहीं रुक रहा था नाप से, तो उसको थ्रेड से बांध रहे हैं यहाँ पे। और घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, हम लोगों को बहुत पुराना एक्सपीरियंस है, काफ़ी बच्चे हो चुके हैं और सारे बेबीज़ अच्छे भी हैं,
कोई दिक्कत नहीं हुई है, ज़रूरी नहीं आप किसी डॉक्टर के पास ले जाओ, आप खुद से भी घर में भी कर सकते हो, पर बहुत आराम से करना है। और थर्ड बेबी भी यहाँ पे हो गया है, 1 घंटा ब्रेक लेने के बाद दिया है, और ये भी वाइटी हुआ है, और हम लोग वेट कर रहे हैं कि शायद 1-2 तो कलरफुल हो, पर अभी तक 3 बेबी हुए हैं, तीनों वाइट हुए हैं, पर अल्हम्दुलिल्लाह से सारे बच्चे अभी तक ठीक है, और देखते हैं और बेबी देती है या नहीं देती है ये। और ये यहाँ पे आवा खाने लगी है अपना, इसको बहुत से लोग खेड़ी भी बोलते हैं, और बहुत से लोग उसे छीन लेते हैं, पर छीनना नहीं चाहिए, इन लोगों को बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है इससे, ये लोग खा ले तो वही बेस्ट है, तो हम लोगों ने तो दे दिया था कि ये खा ले क्योंकि इससे इसको ताकत मिलेगी। फाइनली एक बेबी और हो गया, वो हुआ है ब्राउन कलर का, हम लोगों का वेट ख़त्म हुआ, एक ब्राउन तो हुआ। और फिर काफ़ी देर वेट किया तो फिर अब बेबी नहीं होना था, तो हम लोगों ने सोचा मिनी तो कुछ कर नहीं पाती है, तो छोटे बेबी को हम लोग नहलाने लगे, नहलाने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पर पानी जो है वह गर्म होना चाहिए, और बहुत ही आराम से जैसे मम्मी नहला रही है वैसे नहलाना चाहिए, इससे क्या है बेबी साफ़ हो जाते हैं, कोई इन्फेक्शन नहीं होता है, तो बेबी को भी अभी सारे नहला लेंगे और मम्मा को भी नहला लेंगे, और फिर इनको इनके मम्मा के पास दे देंगे, इससे एकदम भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ये ना सोचे कि छोटे बेबी को नहला नहीं सकते, हम लोगों ने ऐसे 15-20 बच्चों को नहलाया है पहले भी, हमारे घर में हमेशा अक्सर बच्चे होते रहते हैं, 10 बिल्लियाँ हैं हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है नहलाने में। और यहाँ पे सेकेंड बेबी भी नहा चुका है, और बेबीज नहाने गए हैं, तो बास्केट यहाँ पे मैंने मंगा लिया है, और मैट कट हो रहा है ताकि मैट कट बिछा दें इस बास्केट में, तो मैट बिछा के जो बेबीज़ नहा चुके हैं उनको मैंने टॉवल से हल्के लाइटली हाथ से पोंछ के और इसमें डाल दिया है, और हूर और मीनी बैठ के देख रहे हैं। अभी छोटे बेबी को ड्रायर से नहीं सुखा सकते क्योंकि उनकी स्किन बहुत सॉफ्ट होती है। और यहाँ पे थर्ड बेबी भी आ चुका है, इसको भी मैं क्लीन कर रही हूँ, इसको भी मैं बास्केट में डाल दूँगी, और फिर क्या हुआ मिनी, क्या हुआ बेटू, क्या चाहिए, बाबू चाहिए, बाबू ना आ रहे है ना, साफ साफ होके मिलेगा, क्या हुआ शिनु, बेबी शिनु क्या हुआ, अभी मिलेगा, जो तुम भी नहा के आओ, नहा कर आना बच्चों के पास, नहीं देगी अब, ले जाओ ले जाओ, कायदे से पकड़ के लेके जाना, एक ये बाबू और आ गया, ब्राउन बाबू, बोलती बहुत है बच्चा की याद करे, आ बाबू ने ये लो, ये मिनी ये लो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो 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 अंदर चलो, जाओ जाओ, एक और बाबू चाहिए, एक बाबू और चाहिए, एक बाबू ये जाओ लेट जाओ, कितना उसका खून बाथरूम में निकला, कितना मैट पे निकला था,